अभी आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ा कंबोडिया से यहाँ पर आने में? कंबोडिया से देखो यहाँ पे आने के लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, कुछ मतलब यहाँ का पीपल्स कमिटी ऑफ कोचिंग, तो एक आपका हो गया, आपका अप्रूवल लेटर चाहिए, एक अप्रूवल लेटर चाहिए। वियतनाम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में से एक है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 9 से 11 मिलियन के आसपास की है। मैंने मर्चेंडाइज दिखा ही रहे हैं तो पूरा भी दिखा दें। ये तो देखो, ये तो हमारा लोगो हो गया। के बाद ऐसे कैरे वाली ट्रिप हमने कभी लगाई ही नहीं। दोबारा से शुरुआत हो रही है, मजा आ रहा है भाई। हमने पोस्ट किया था फेसबुक ग्रुप पे कि भाई यहाँ पे जो भारतीय हैं, ठीक है, कुछ लोग, तो कोविड के दौरान उनका क्या हालचाल रहा और कैसे वगैरह लाइफ वगैरह मैनेज कर रहे हैं वो हो ची मिन में। तो उस चक्कर में मैंने एक पोस्ट डाला था कि अगर कुछ लोग कनेक्ट होना चाहें और अपनी स्टोरी जो है शेयर करना चाहें, तो एक भाई साहब हैं, उन्होंने रिप्लाई किया है, नाम है रुद्र और यहाँ पर इंजीनियर हैं आई गेस, ठीक है। पहले तो कंबोडिया में थे और कंबोडिया से अभी 2 हफ्ते पहले आए हैं। तो इस वीडियो में खासकर हम जानेंगे कि किस तरीके से आप वियतनाम में, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रुद्रा के साथ हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से वियतनाम में आ सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस वगैरह उनको फेस करने पड़े और क्या वो जॉब वगैरह करते हैं। तो फिलहाल तो चलते हैं, ये भाई इनका इधर कहीं जाके है इस अपार्टमेंट में, तो जाके देखते हैं कहाँ पर हैं। टेक्स्ट पे बात हो रही थी मेरी। ओके ओके, हाँ भाई, ये सिक्योरिटी गेट है, बोल रहे थे कि यहाँ पर आ जाओ, तो आ गए हैं। ये एयरपोर्ट के पास का इलाका है होचिमिन सिटी में। शक्कर मैंने कम रखा है, बाद में शक्कर अगर चाहिए रहता है, जब ब्लाइंडली चल रहा है तब तो भाई थोड़ा बहुत खाने का दिक्कत हो सकता है। आप फुल चाय वगैरह अच्छे से बना लेते हो, अदरक वदरक डाल के? क्या करे, थोड़ा बहुत तो बनाना ही पड़ेगा। आप ओरिजिनली कहाँ से हो वैसे? कौन आप ओरिजिनली कहाँ से हो? बॉर्न? बॉर्न मैं मुंबई में बॉर्न हुआ हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा जो पिताजी का मम्मी का नेटिव प्लेस है यूपी है। अच्छा, लेकिन अभी बॉर्न मुंबई में, पिताजी 30-40 साल मुंबई में हो गए। अच्छा अच्छा, तो खाने पीने का क्या हिसाब रहता है, मतलब कि वो यूपी का कोई टेस्ट है या फिर 100% वो मुंबई वाला टेस्ट है? खाने पीने का देखो, अभी ऑल ओवर इंडिया में जो आदमी ट्रेवल कर रहा है सब टाइप का खाना खा लेता है। मैं तो साउथ इंडियन भी खा लेता हूँ, अपना महाराष्ट्रीयन खाना भी खाता हूँ, और यूपी का खाना तो सवाल ही नहीं होता यार, वो तो अच्छा टेस्ट है ही। बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया अगर खाने में, इंडिया में पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर खाने का कोई टेस्ट है तो सिर्फ वो तुम्हारे क्या बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में ही सबसे अच्छा टेस्ट। ये तो बात है। लो लो एप्पल जूस। एप्पल जूस और साथ में मतलब की चाय। पहले एप्पल जूस पी लो, पानी की जगह एप्पल जूस पियो, सेव सेव वाटर, सेव वाटर महंगा है यार। धन्यवाद। हाँ तो भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल वॉन्डरिंग स्टोर पे। आशा करता हूँ आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं। हमारे साथ जो है ना हमारे भाई हैं
रुद्र पांडे जी। क्या बात है पांडे जी। पांडे जी कुछ हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप आए हैं कंबोडिया से, ठीक है, और आपको आए हुए कितना समय हो गया है यहाँ पर वियतनाम में? अभी आके मुझे 15 दिन हुए हैं। 15 दिन हुए हैं, तो ये मतलब कि 2022 2021 दिसंबर के आसपास, आज 2021 एंड में आप आए होंगे दिसंबर वगैरह में। तो यार चक्कर क्या है ना कि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो वियतनाम में आना चाहते हैं और वियतनाम में आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि 2022 में वियतनाम किस तरीके से आया जाए। तो मैं तो खैर यहीं पर हूँ, तो सबसे बेटर इन्फॉर्मेशन वही दे सकता है जो कि आया हुआ है। तो थोड़ा पहले अपने बारे में बताओ और फिर हमें बाकी की कहानी बताओ। वही अभी पहले मैं कंबोडिया में था, 4 साल तो वहीं कंबोडिया में काम किया। 4 साल कंबोडिया में? 4 साल में कंबोडिया काम किया। कंबोडिया के पहले मिडिल ईस्ट की लाइफ थी। अच्छा, तो कंबोडिया में कहाँ कर रहे थे? नॉम पे में था मैं, सिटी में नॉम पे। और किस कंपनी में? लैम्बोर्गिनी में था। लैम्बोर्गिनी में, क्या बात है, डीलरशिप। यहाँ पर तो पूरी कार वगैरह सजा के रखी हुई है भाई। ये मेरा छोटा सेटअप है, मेरा पर्सनल लॉन समझो, मेरी गाड़ी। ये मेरा लैम्बोर्गिनी उरुस का स्केल मॉडल है। ये लैम्बोर्गिनी का कुछ मतलब, ये मैं गया था इटली में तो मुझे वहाँ से ट्रेनिंग में मिला था। तो ये मैंने फिर वो मेरा, जब मैंने कंबोडिया छोड़ा तो वो लोग ने मुझे पैसे मतलब प्रेजेंट के तौर पे थोड़ा सा दिया। सही लग रहा है पांडे जी। पीने के लिए पानी पी लो, जूस पी लो। जूस पी लो, पानी। और एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस किया, कंबोडिया के मुकाबले थोड़ा पानी, ड्रिंकिंग वाटर महंगा है यहाँ पे। कंपनी का नाम अगर थोड़ा अच्छा है तो उसमें कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। यहाँ पर चीजें महंगी है भी हैं थोड़ी सी, सीधी सी बात। और खासकर अगर आप ऐसे सर्विस अपार्टमेंट में रहो। अब ये सर्विस अपार्टमेंट का मेरी कंपनी पे कर रही है, लेकिन ये अराउंड 9.5 मिलियन है। इस रूम का 9.5 मिलियन, लेकिन स्विमिंग पूल और जिम का मतलब सब कुछ उसमें इंक्लूड है। मैं कंबोडिया में था, कंबोडिया में कंपनी ने नहीं दिया हुआ था, कंपनी मतलब पैसा देती थी। तो हम लोग को मंथली जो था वो $500 हम लोग को कंपनी देती थी। तो लेकिन $500 में हम लोग स्मार्टली काम क्या करते थे, $500 मतलब खाने के लिए और रहने के लिए देती थी, प्लस सैलरी अलग है। तो हम लोग क्या करते थे, वो 500 में जरूरी नहीं कि $400 का जाके अकोमोडेशन ले लिया, 300 का, एकदम मतलब बजट में एकदम अच्छे में कैसा मिल रहा है, मतलब 150-200, जिसमें कि लगभग देखा जाए तो बड़ा रूम भी हो, बेडरूम भी हो, और नहीं भी रहेगा जिम रहेगा, नहीं भी स्विमिंग पूल। तो यार ये मानसिकता है ना कि जिम अंदर ही चाहिए। तो कहीं अगर समझो आप $150 का कहीं पे उधर मिल गया अच्छा खासा रूम, और मतलब समझो बेसिक किचन रहे, बेसिक फ्रिज रहे, बस हो गया, उतना चाहिए। बाद में क्या करो, आपको अगर जिम विम जाना है तो मंथली $20-25 कहीं बाहर भी। इस हिसाब से देखा जाए तो वहां पे थोड़ा ये चीज का बेनिफिट था। अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट कंपनी है अभी इसने बोला कि फिलहाल हम आपको देंगे, और इनका ये कहना है कि हम अपने स्टैंडर्ड को गिरा नहीं सकते। हाँ ये तो सही है। हाँ पानी जी, फिर कितना समय हो गया आपको बाहर? मैं 2011 से बाहर हूँ। 2011 से कहाँ कहाँ गए हो, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो। 9th या 10th कंट्री है ये। 9th या 10th कंट्री है ये वियतनाम। ठीक है, तो मिडल ईस्ट? मिडल ईस्ट में दुबई, कतार, कुवैत और ओमान। ओमान 4 कंट्री। मिडल ईस्ट में सबसे अच्छी कंट्री कौन सी लगी वो बताओ। दुबई। दुबई को तो कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। लेकिन क्या है ऐसा, मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन जहां तक मैं दुबई वगैरह देखता हूँ खाली स्ट्रक्चर्स हैं, मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इंडियन लोग वहां पे क्यों प्रीफर करते हैं, सबसे बड़ी बात है इंडियन लोग के वहां जाने का, कि एक तो चलो जो जॉब मिला तो मिला, जॉब तो है। किस तरीके की जॉब्स? जॉब तो सब मिलेगा आपको। आप कौन से फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको ऐसा कौन सा फील्ड नहीं है जो वहां पे दुबई में आपको काम नहीं मिलेगा। तो काम बड़ी इजीली मिल जाता है। काम इजीली मिल जाता है, आज के डेट में भी काम इजीली मिल जाता है। आज भी साउथ इंडिया के मतलब देखा जाए ना तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 60% लोग आज भी, उनको काम पहले से नहीं मिला रहता। मेरे को तो चलो पहले से काम मिला था इसलिए मैं वहां गया। कुछ लोग को अभी भी काम वहां पे मिलता नहीं है, पहले क्या करते हैं वीजा निकालते हैं, उसके बाद वहां पहुंचते हैं और फिर वहां पे काम ढूंढते हैं। अच्छा, एक तो जाने का मतलब कि आप टूरिस्ट वीजा पे जाते हो या सीधा आपको बिजनेस वीजा? नहीं, टूरिस्ट वीजा पे जाके वहाँ काम ढूंढ सकते हैं। काम कर नहीं सकते आप, लेकिन काम ढूंढ सकते हैं। मतलब ढूंढने को तो कोई मना नहीं करता। आप कंपनी में जाओ, अपना सीवी दे दो, और अगर समझो ये कि आपका वहाँ पे स्टेइंग समझो 15 दिन का है, आपका बजट है कि मैं 15 दिन वहाँ पे स्टे कर सकता हूँ किसी दोस्त के यहाँ पे या होटल में कुछ भी है, और उस 15 दिन में अगर कंपनी पहले दिन या दूसरे दिन आपने कहीं पे 2-4 जगह रिज्यूम दिया हुआ है, और अगर 2 या 3 दिन के अंदर तुम्हारा अगर शेड्यूल
रिज्यूम जो है लेके देख के बाद में तुम्हारा इंटरव्यू अगर ऑर्गेनाइज कर दिया उन लोग ने, तो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने के बाद में अगर समझो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम वापस इंडिया आओ, फिर तक तुम्हारा कंपनी वीजा इंडिया आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, टूरिस्ट को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, टूरिस्ट वीजा पे जो लोग जाते हैं वहाँ पे। नहीं, कहने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए दुबई में हो लैंड बॉर्डर, ऐसा नहीं है कहीं दूसरी कंट्री में लैंड बॉर्डर क्रॉस करिए, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है वीजा लेके वापस, हाँ वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। यहाँ पे भी कंबोडिया से क्या करते हैं, कंबोडिया में भी जो बहुत से इंडियन लोग या चाइनीज लोग या जो थोड़ा मतलब एक्सपेक्ट लोग काम करते हैं, उनका जब वीजा एंड होने आता है समझो बिजनेस वीजा या सब कुछ, और वो समझो एक्सटेंड नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो लोग भी क्या करते हैं खाली बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और सब बॉर्डर क्रॉस करने उन लोग को ये हो चिन्मी सिटी बहुत सही पड़ता है, बस पकड़ते हैं वहां से $10 से $12, आज भी $10 की टिकट है वहां से नॉन पे सिटी से, आके क्रॉस करते हैं बॉर्डर और वापस से तुरंत कंबोडिया में पहुंच जाते हैं, और वापस से उनका वीजा स्टैंपिंग बिजनेस वीजा का स्टैंपिंग लग जाता है, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अभी भी यही चीज। आपको कितना समय हो गया था कंबोडिया में? मेरे को कंबोडिया में 4 साल हो गया अभी, मतलब कि वियतनाम से पहले 4 साल लगातार आप वहीं पर थे। तो ये कोविड सिचुएशन में भी वहीं पर थे? कोविड सिचुएशन वहीं पे था। तो ऐसा क्या मतलब कि कोविड सिचुएशन में किस तरीके से मैनेज कर रहा था कंबोडिया? नहीं कंबोडिया मैनेज ऐसा कर रहा था कि बहुत सी कंपनियां मतलब यूं समझ लो 90% कंपनी ने क्या किया था, अपने एम्प्लॉइज को मतलब सैलरी वेज में थोड़ा मतलब यूं तुम कह सकते हो 50% दे रहे थे। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ 50%। ताकि लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनी भी यार 50% की वेज स्लैश कर रही है। ये है कि बहुत लंबे टाइम तक लोग ने नहीं रखा 50% का वो वेज, लगभग कह सकते हो कि 7 से 8 महीने तक खाली, बस 7 से 8 महीने के बाद में लोग ने फिर नॉर्मल वेज कर दिया। मतलब वैसे सपोर्ट कर रहे थे आपको? हाँ सपोर्ट, कंपनी सपोर्ट ये तो चलो अच्छी बात है। हाँ ये है कि हमारे यहाँ से एक चीज था कि किसी को काम से निकाला नहीं उस समय, कुछ होटल वेटल इंडस्ट्री में जो लोग थे लोग को भी लोग ने भी अपना जॉब खो दिया। तो ये बताओ चैलेंजेस क्या है आपको कंबोडिया में जो इस मतलब कि अभी तो पिछले 6 महीने से ये सारा कुछ बहुत ज्यादा चल रहा है, मेरे ख्याल से जो डेल्टा वायरस है वो भी पिछले 6 महीने में काफी हाँ, 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 ये तो है। और यहाँ पर जो था वो कम्प्लीटली लॉकडाउन था मतलब सिटी में, तो मतलब की यहाँ पर तो बैरिगेटिंग मेरे घर मेरे उधर भी बैरिगेटिंग वगैरह मतलब की हो ची मिन जैसा बैरिगेटिंग नहीं थी यहाँ पर, तो मतलब की यहाँ पे तो एकदम पूरा लॉक फोर्टिफाइड करके रखा हुआ था। न्यूज तो मैं भी देखता था, यहाँ पे तो बोलते थे पूरा एकदम लॉक है, लोग निकल नहीं सकते थे घर। तो भी मेरे को एक बार बताओ, आपको आए हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, ठीक है, तो आप अगर किसी को भारत से आना हो, ठीक है, डायरेक्टली वियतनाम तो अभी एंट्री है नहीं, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो वियतनाम में फिलहाल तो कहीं भी ऐसा एंट्री है नहीं कि आप डायरेक्टली, आप अगर आपके पास बिजनेस वीजा भी है तो आप डायरेक्टली लैंड कर सको, भारत से डायरेक्टली कोई फ्लाइट्स नहीं है, नहीं है, ठीक है, लेकिन आने का तरीका है, आने का तरीका है, ठीक है। कंबोडिया ओपन हो चुका है और काफी सारे देश ओपन हो चुके हैं जिससे यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह भी फिलहाल आ रही है, लेकिन सारी की सारी जो है बिजनेस वीजा पे आ रही है। आप जो कंबोडिया से आए हो, क्योंकि मेरे को इतना पता है क्योंकि भारत से कंबोडिया के फ्लाइट्स हैं आज के डेट, लेकिन डायरेक्ट अभी भी नहीं है, डायरेक्ट मतलब वाया सिंगापुर करके या तो रूट है, या वाया बैंकॉक रूट है, या वाया साउथ कोरिया करके रूट है। अच्छा, भारत से भी? हाँ, इंडिया से अभी भी नॉन पे के लिए डायरेक्ट अभी भी फ्लाइट चालू नहीं हुई है। कुछ लोग तो आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं कंटिन्यू आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी भी कंटिन्यू आ रहे हैं, लेकिन वही है रूट को थोड़ा एक्सपांड किया, क्योंकि देखो सिंगापुर एयरलाइंस रिप्यूटेड एयरलाइंस का चालू किया है, रिप्यूटेड सिंगापुर एयरलाइंस हो गई, या कोरियन एयरलाइंस हो गई, या कतर एयरवेज हो गया, तो ये सब जो रिप्यूटेड एयरलाइंस है जिनका की मतलब रिस्ट्रिक्शन और पॉलिसी अच्छा है, उन लोग को लाइसेंस मिला हुआ है कि आप ऑपरेट कर सकते हो, तो उन एयरलाइंस पे अगर आप बुक करते हो तो आ सकते हो। तो आपको क्या पूरा प्रोसेस मतलब कि फॉलो करना पड़ा? एक तो आरसीपीटीआर वगैरह जो होती है करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा संक्षेप में बताओ कि आपको क्या क्या मतलब कि जैसे 2 हफ्ते यहाँ पर आप आए हो, क्वारंटीन का क्या सीन था, पर वैक्सीनेशन का क्या सीन था, तो थोड़ा सा एक नॉलेज हमें मिल सकेगी। अब देखो, एक तो फ्लाई करने के पहले सबसे बड़ा ये है कि 72 आवर्स, कुछ लोग 72 आवर्स मतलब समझ लेते हैं 3 दिन, 3 दिन पहले मत कराओ, आप 48 पकड़ के चलो, जैसे आपका कल फ्लाइट है तो आज जाके आप आरटीपीसीआर कराओ, 2 दिन पहले मत कराओ, नहीं तो कोई एयरलाइंस क्या करती है कि सोचती, या ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम का ऊपर नीचे हो गया तो पता चला 72 आवर्स आपने बाउंड्री क्रॉस कर दी तो शायद फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए आप 72 पे एकदम रिलैक्स मत हो जाओ, थोड़ा एक
काम करो कि मतलब आप जैसे कल आपकी फ्लाइट है, समझो कल आपकी शाम की फ्लाइट है या दोपहर के बाद की फ्लाइट है, तो आज जाके आरटीपीसीआर कराओ, शाम तक रिपोर्ट लेना, ठीक है। ये हो गया चीज, सबसे बड़ी बात। सेकंड थिंग है, अगर इस समय डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो ट्रेवल मत करो। डॉक्यूमेंट्स एज इन क्या डॉक्यूमेंट्स? जैसे डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आपका बिजनेस, अगर आप बिजनेस वीजा पे जा रहे हो, अभी जैसे यहाँ पे वियतनाम में आने के लिए जो है पीपल्स कमिटी ऑफ हो ची मिन्ह सिटी का अप्रूवल लेटर चाहिए रहता है, प्लस कंपनी का स्पॉन्सर लेटर चाहिए रहता है। तो अभी आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ा कंबोडिया से यहाँ पर आने में? कंबोडिया से देखो यहाँ पे आने के लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, कुछ मतलब अभी मेरे को तो कंपनी ने मतलब फाइनेंस किया हुआ है। फाइनेंस किया हुआ, तो आपको बिजनेस वीजा, बिजनेस वीजा कंपनी ने दिया, कंपनी ने दिया हो ची मिन्ह सिटी का अप्रूवल लेटर, मतलब यहाँ का पीपल्स कमिटी ऑफ हो ची मिन्ह सिटी। एक आपका हो गया, आपका अप्रूवल लेटर चाहिए, एक अप्रूवल लेटर चाहिए ही चाहिए। तो एक अप्रूवल लेटर हो गया, दूसरा आपका बिजनेस वीजा, बिजनेस वीजा वो तो तभी मिलेगा जब आपका अप्रूवल लेटर होगा, अप्रूवल लेटर होगा, ठीक है। थर्ड हो गया कि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए, आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए वो 72 घंटे का, 48 मान के चलो। और चौथी चीज है आपका जो है वैक्सीन का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, लीगलाइज नाम का मिस्टेक नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा, तो वैक्सीन में क्या आपका 2 डोज चलेगी? 2 डोज चलेगा, लेकिन अगर बूस्टर, आपने बूस्टर शॉट लिया हुआ है तो ज्यादा अच्छा है। तो बूस्टर शॉट लेने के बाद में इस समय क्या हो गया है कि उनके दिमाग में ये है कि आदमी फुली वैक्सीनेटेड तो है ही है, बूस्टर डोज लिया है तो मतलब और अच्छा है। इंडिया में भी देखो स्टार्ट कर दिया, इंडिया में भी स्टार्ट नहीं, वो तो उधर से ही आ रहा है, एस्ट्राजेनेका वगैरह। कंबोडिया में ऑलमोस्ट 99% लोगों को बूस्टर डोज भी लगा हुआ है। अच्छा, 99% पॉपुलेशन। कौन सी वैक्सीन लग रही है कंबोडिया में? चाइनीज, चाइनीज भी है, सिनोफार्म वाली, सिनोफार्म, और उसके बाद में एस्ट्राजेनेका हो गया, एस्ट्राजेनेका, अभी जॉनसन एंड जॉनसन भी इंट्रोड्यूस हुए, 4 है वहाँ पे। अच्छा, तो आपको जो इस वैक्सीनेशन वगैरह के लिए कंबोडिया में आपको क्या पे करना पड़ा? नहीं नहीं, एक सारा का सारा कंपनी स्पॉन्सर, कंपनी भी स्पॉन्सर नहीं, गवर्नमेंट ने किया है। बहुत से गवर्नमेंट, सेम चीज वियतनाम में हमारी कंपनी ने जो किया वही चीज, मतलब आप कंपनी बोल लीजिए या गवर्नमेंट बोल लीजिए, गवर्नमेंट के थ्रू तकरीबन सारे लोगों को दी जा रही है। एक्चुअली सब लोग वेट कर रहे थे कि पहले वो भी ले ले, वो भी ले ले, मेरा दोस्त भी ले ले, 2-4 जन ले ले, तब उसके बाद में। बेवकूफी है ना, अगर आप विदेश में हैं और अगर आपको घर जाना भी है तभी आपको वैक्सीन चाहिए। अभी तो देखो, अभी इंडिया में भी हुआ ना, दुनिया भर के स्पोर्ट इवेंट हुए, देखो अभी मिस्टर इंडिया इवेंट हुआ और अमेचर ओलंपिक हुआ दिसंबर में। ये क्या हुआ है, गुड्डे बिस्कुट है क्या? ये गुड्डे तो नहीं है, लेकिन गुड्डे के जैसा ही एक बिस्किट है ये। ये मुझे भी, मैं उस दिन मार्ट में गया था तो मुझे उसने मतलब कोई सेल्स लेडी थी, सेल्स गर्ल, उसने मुझे देखा तो मैं मतलब फेस देखा तो मुझे उसको लगा रहेगा मैं इंडियन हूँ। तो मेरे पास उसने लेके आई, बोलती है सर डू यू नो दिस वन, तो मैं बोला नो, बोलती है इनसाइड दिस वन हैव ऑलमंड्स एंड दिस वन, हां वही मैं बोल रहा हूं एकदम गुड्डे जैसा टेस्ट है। मैं उसको बोला कि इज दिस गुड्डे, तो बोलती है नो सर नॉट गुड्डे बट सेम लाइक गुड्डे, सेम लाइक गुड्डे। तो उसने मुझे दिया 2-3 टेस्ट करने के लिए, तो मैं टेस्ट किया तो मुझे लगा अच्छा लगा तो मैं ले लिया। पैसा खर्चा करता हूँ सिर्फ 2 चीजों पे, एक अपनी फैमिली के लिए पैसा रखना, दूसरा खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। ये नई जनरेशन को क्या मतलब कि बोलना चाहोगे, ये जो आपने पूरा यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर फलाहार जो रखा हुआ है, नई जनरेशन को क्या बोलोगे? वही मैं बताया ना, नई जनरेशन के लिए यही है, जो बोलते हैं ना जाके पैसा वेस्ट करते हैं, पेप्सी कोला। ये अभी आप आए देखो, मैंने बिस्किट दिया, चाय बिल्कुल, जूस था एप्पल जूस, तो अच्छी चीजों से भी आव भगत हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप पेप्सी दो, कोक दो, ये दो, वो दो, मॉडर्न, या मैं बियर लेके बैठो, आपके अच्छी चीजें भी है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अभी तो कौन सा वो खिलाड़ी था ना जिसने वो अपना वो पेप्सी को ऐसे उठा के वो रख दिया साइड में, मैंने फुटबॉल का, हाँ फुटबॉल मेसी, नहीं लेके जाते हो प्लेन में, उसको बैठने का उसका सपना है। ये तो बहुत गलत बात है, पापा घूमते रहते हैं। अभी मेरी वाइफ तो आई थी कंबोडिया, वाइफ तो घूमी है लेकिन बच्ची अभी तक प्लेन में नहीं बैठी है, क्योंकि जब वाइफ आई थी तो बच्ची भाई के पास थी। तो अभी मेरे भाई की लड़की और मेरी लड़की है, उन लोग का ये कहना है कि तुम अगर हमको प्लेन में नहीं बैठाओगे तो तुम भी इंडिया आ जाओ। बिल्कुल, तो ये तो सही बात है। तो ठीक है, अभी ये अप्रैल देखेंगे देखेंगे, पापा बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये अप्रैल में पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फोन करके पापा एग्जाम खत्म, अप्रैल में यहाँ पे लेके आएंगे, घुमाएंगे।
बहुत अच्छी बात। और सबसे अच्छी बात यह है कि वियतनाम सबसे खूबसूरत कंट्री है, बहुत है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर आना है किसी को, अगर घूमने के लिए आना है, मैं तो यही कहूंगा वियतनाम। वियतनाम माँ बाप के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? माँ बाप का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि मेरा बच्चा जो है ना, पता नहीं खाना खाता होगा नहीं खाता होगा, सोता होगा नहीं सोता होगा। घर घर तो दिखा दिया, घर काफी अच्छा है, बाकी माँ बाप को बता दो कि भाई कैसे हो, ठीक हो ना, यहाँ पे कुशल मंगल हो। देखो मेरी माँ जो है मेरा हिसाब डेली लेती रहती है। डेली लेती है, हमारा भी वही है। हाँ, तो उनका कैसा है, उनको पता है कि ये आदमी बना खाएगा जरूर, ये रात को लेट भी घर पे पहुंचेगा लेकिन पहले बनाएगा खाएगा, या बाहर से भी लेके अच्छी चीज खाएगा तभी सोएगा। तो इस चीज में वो लोग थोड़ा मतलब टेंशन फ्री रहते हैं। ये तो हमारी छोटी और लंबी सी वार्तालाप हमारे दोस्त पांडे जी के साथ, जो कि इनको अभी 2 हफ्ते हुए हैं यहाँ पर वियतनाम में आए हुए। तो कैसा लगा ये तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा। जिनको भी और भी जानकारी वगैरह चाहिए, उनके लिए हम एक नई ट्रैवल सीरीज स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम बेसिक्स वगैरह में बात करेंगे, जैसे नेगोशिएट किस तरीके से करना है, जो बेसिक होते हैं ना वर्डिंग्स वगैरह, जो फ्रेजेस वगैरह होते हैं, हेलो हाय ओके बाय, ये सब नंबर्स वगैरह, और किस तरीके से आपको अगर शिफ्ट होना है वियतनाम में, तो या बिजनेस किसी को सेटअप करना है, बिजनेस सेटअप करना है, किसी को कुछ क्वेश्चंस है, किसी को कुछ डाउट है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को अच्छा जॉब मिलता है, मान लो मैं तो यही कहूंगा, अगर हाँ। अगर आपको मिडल ईस्ट में जॉब मिलता है, और एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो आपको वहाँ पे किसी ने $2,000 ऑफर किया, लेकिन अगर आपको वियतनाम में कोई $1,500 ऑफर करता है, वहां से $500 कम, मैं बोलूंगा आप यहाँ पे आओ वियतनाम। हाँ क्यों? क्योंकि एक तो लाइफ अच्छी है, लाइफ अच्छी है, चीजें अच्छी है, नेचुरल है, थोड़ा सस्ता है, मिडल ईस्ट के मुकाबले सस्ता भी है, तो सब कुछ है, तो आपका देखा जाए घूमने में ज्यादा बेटर। हाँ, घूमने में ज्यादा बेटर, और जो आपकी सेविंग होगी तो वहां की और यहाँ की सेविंग लगभग सेम है, भले यहाँ पे सैलरी कम मिलेगी लेकिन सेविंग जो रहेगी सेविंग अच्छी है, सेविंग अच्छी है, और प्लस सबसे बड़ी बात होती है लाइफस्टाइल, नेचुरल क्लाइमेट। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा अगर किसी को अगर साउथ ईस्ट एशिया में अगर जॉब मिलता है कंपेयर टू यूरोप कंट्री, और कंपेयर टू जैसे समझो दुनिया ये नहीं समझ पाती है, दुनिया भागती है यूरोपियन कंट्रीज के पीछे। नहीं नहीं, सेविंग बिल्कुल नहीं होगा यूरोपियन कंट्री में। मैं यूरोपियन कंट्री में मेरे को ऑफर आया भी हुआ है, न्यूजीलैंड से भी मेरे को ऑफर था, यहाँ तक कि मेरे को यूरोप से भी ऑफर था, लेकिन मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। एक तो 33% टैक्स आपको सैलरी पे, 33% टैक्स, सेकेंड थिंग प्लस जो चीजें हैं इतनी महंगी है कि एट द एंड आप मिला के ना जो सेविंग करोगे ना वो ऐसी होगी। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं कि लास्ट ईयर वियतनाम गवर्नमेंट ने मेरे को 10 मिलियन डोंग दिए थे। अब बताओ ऐसी दुनिया की, अब वो 10 मिलियन डोंग मेरे को कैसे वियतनाम गवर्नमेंट ने दिए, वो उसको जानना है तो हमारी ट्रैवल सीरीज को देखना, हम उसमें डिटेल्स बात करेंगे, अभी तो नहीं बात करेंगे, ये हम पांडे जी को बताएंगे। पांडे जी अभी आए हैं तो पांडे जी को हम सीक्रेट बताएंगे। आपको सीक्रेट जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारा कंटेंट, और हम आपसे मिलेंगे एक नए और शानदार जानदार एपिसोड में। मैं राज सिंह, हमारे दोस्त पांडे जी, आप लोगों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। That's curry before. Yeah, I tried curry. You went by yourself or did you? Yeah, I went by myself the first time, and then I went with some friends. Subsequently, I've been going with a couple of friends. Any native you went along with? No. Native as a native Indian? No, not yet.